नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मार्च में अचानक से दुनिया थम सी गई। कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के चलते दुनिया भर के कई लोग डिप्रेशन और एंजाइटी की चपेट में आए। कई जगहों से खबरें आई कि निराशा के चलते लोगों ने अपनी जान ले ली। इसी बीच एक खबर ऐसी भी सामने आई जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत केस की। 14 जून की दोपहर में न्यूज फ्लैश हुई कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने बांद्रा के फ्लैट में सुसाइड कर लिया है। खबर सामने आते ही पूरा बॉलीवुड और सुशांत के फैंस काफी निराश थे। सुशांत जैसे जिंदा दिल इंसान की खुदकुशी की खबर पर किसी को यकीन नहीं हुआ। खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने दुख जताया। बॉलीवुड सेलिब्स सुशांत के सुसाइड की वजह को लेकर नए नए कयास लगाने शुरू कर दिए गए। कुछ लोगों ने इसे डिप्रेशन से जोड़ने की कोशिश की तो दूसरी ओर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी नेपोटिज्म की। 15 जून को एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि सुशांत जैसे एक्टर्स जो बाहर से इंडस्ट्री में आते हैं उनके काम को कभी एक्नॉलेज नहीं किया जाता और यही वजह है कि सुशांत ने सुसाइड किया। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तू ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? 16 जून को केस में एंट्री हुई महाराष्ट्र सरकार की। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा कि प्रोफेशनल राइवलरी के एंगल पर मुंबई पुलिस मामले में जांच शुरू करेगी और सच पता लगाएगी। और जांच में सामने आया रिया चक्रवर्ती का नाम। रिया के साथ साथ सुशांत के दोस्तों और हाउस स्टाफ से भी पूछताछ की गई। हर शख्स के बयान में नई और अलग बातें सामने आती गई, लेकिन मौत की वजह अभी भी पता नहीं चल पाई। कुछ दावों में कहा गया कि सुशांत के शरीर पर कुछ निशान हैं जो कि बाद में छूटे निकले। 24 जून को मुंबई पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बॉडी पर किसी तरह की कोई निशान नहीं है। मौत की वजह कंफर्म की दम घुटना। साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेके बड़ी बहस छिड़ गई। सोशल मीडिया पे बॉयकॉट बॉलीवुड के नारे लगे और सेलेब्स को खूब ट्रोल किया जाने लगा। 7 जुलाई मामले में संजय लीला भंसाली से बांद्रा पुलिस ने पूछताछ की। भंसाली ने बताया कि उन्होंने सुशांत को 4 फिल्में ऑफर की मगर वो एक भी नहीं कर सके। 9 जुलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर मामले में CBI इंक्वायरी की मांग की गई। सोशल मीडिया पर इस पहल का भारी स्वागत किया गया। 16 जुलाई सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने ट्विटर पर गृह मंत्री अमित शाह से CBI जांच की मांग की। रिया को इस दौरान कई गंभीर आरोप लगाए गए, जिस पर रिया चक्रवर्ती ने केस पटना से मुंबई ट्रांसफर करने के लिए याचिका डाली। केस को बिहार पुलिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया गया। इन सब के बीच मुंबई और पटना पुलिस के बीच भी काफी तनातनी दिखी। आखिरकार 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने CBI जांच की मांग को स्वीकार कर लिया। इस फैसले के बाद पूरे देश को उम्मीद थी कि अब केस की गुत्थी सुलझेगी। अगले दिन CBI ने रिया चक्रवर्ती समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की।
Because the way Mumbai police was behaving was totally illegal, was totally unethical, was totally unprofessional. When IPS officer is going to Mumbai with prior information and he is being quarantined at 12 o'clock midnight. This is not done. बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है. रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने. मुद्दे ने बिहार में भी जोर पकड़ लिया. बिहार चुनाव नजदीक थे तो केस में राजनीतिक पार्टियां भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगी. इतना ही नहीं, बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की ओर से भी मामले में कई नई टिप्पणियां की गई. केस ने एक नया मोड़ लिया और सामने आया ड्रग्स का एंगल. मुंबई पुलिस ईडी सीबीआई के बाद ड्रग्स एंगल आने के बाद 4 सितंबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तफ्तीश चालू की और रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया गया. 6 सितंबर एनसीबी की टीम ने रिया के घर जाकर समन दिया. अगले दिन पूछताछ में रिया ने कबूल किया कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदती थी. रिया ने कई लोगों के नाम लिए. बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों के पत्ते खुलने लगे. दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, भारती सिंह जैसे बड़े सितारों को एनसीबी की ओर से समन जारी किया गया. सुशांत सिंह राजपूत केस में कड़ियां सुलझने के बजाय कुछ उलझती ही चली गई. जिस मुद्दे के लिए पूरा देश खड़ा हुआ, हर जगह जस्टिस फॉर एसएसआर के नारे लगे, वो किसी और ही दिशा में चला गया. सुशांत की बहन श्वेता ने सोशल मीडिया पर जो मुहिम छेड़ी वो कहीं ना कहीं अधूरी ही रह गई. आज भले ही अखबार के पन्नों और टीवी स्क्रीन से सुशांत का नाम गायब हो गया हो, लेकिन उनकी खूबसूरत मुस्कान, चंदन स्वभाव और बेहतरीन एक्टिंग की वजह से हम सभी के दिलों में उनकी तस्वीर हमेशा ही छपी रहेगी.